नमस्कार साथियों, आज वाली क्लास में अपन जो बीए थर्ड ईयर का राजस्थान विश्वविद्यालय का सिलेबस है राजनीति विज्ञान का, उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो राजनीति विज्ञान का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है बीए तृतीय वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी पेपर का नाम है, उसके सिलेबस के बारे में आज अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। इससे पहले अपन ने जो प्रथम पेपर है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर या पाश्चात्य राजनीति विचारक, उसका अध्ययन किया है। तो सेम वही प्रोसेस है, उतने ही नंबर का पेपर है, अंक विभाजन भी उसी के अनुसार है। तो उसका सिलेबस जो है यानी कि कौन कौन से टॉपिक आपको इस पेपर में पढ़ने हैं, तो उसके बारे में आज अपन यहाँ चर्चा करेंगे। तो जो सिलेबस को है तीन इकाइयों में आपके बांटा गया है, तीन भागों में उसको डिवाइड किया गया है, और 100 नंबर का आपका पेपर है इसमें। वही जो प्रथम पेपर में मैंने बताया 20 नंबर के आपके छोटे सवाल उसमें पूछे जाएंगे, जो चार या पांच सवाल हैं उसमें बड़े निबंधात्मक पूछे जाएंगे, पांच पांच नंबर के चार सवाल, और तीन निबंधात्मक सवाल इसमें आपको 60 नंबर के पूछे जाएंगे। तो पहली इकाई की अपनी यहाँ बात कर रहे हैं, इकाई फर्स्ट, इकाई कह के अपन बात कर रहे हैं, तो इसमें है जो शीत विश्व युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय पर्वतियां के संबंध में बात की गई है, संयुक्त राष्ट्र संघ की संगठन और कार्यप्रणाली के बारे में इसमें बताया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका व तृतीय विश्व गुटनिरपेक्ष आंदोलन, साम्यवादी खेमे का विघटन और यूरोप का पुनर्गठन, ये टॉपिक हैं जो आपको पहली इकाई में पढ़ने हैं या खंड कहने पढ़ने हैं। तो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप उनको नोटिस कीजिए, हम द्वितीय विश्व युद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रवर्तियां, अंतर्राष्ट्रीय प्रवर्तियां द्वितीय विश्व युद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रवर्तियां सीबीयू संयुक्त राष्ट्र संघ संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएन मॉड्यूल में आपको पूरा पढ़ाना है, संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यप्रणाली एवं भूमिका, कार्यप्रणाली एवं भूमिका, कार्यप्रणाली में भूमिका यानी कि यूएनओ की जो पूरी प्रोसेस है वो इसमें आपको पढ़नी है। संयुक्त राज्य अमेरिका का तृतीय विश्व, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका वे तृतीय विश्व, इसके बारे में आपको पढ़ना है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन पढ़ा है आपको, गुटनिरपेक्ष आंदोलन साम्यवादी खेमे का विघटन, यूरोप का पुनर्गठन, यानी कि पहली इकाई में या पहले खंड में ये जो टॉपिक मैंने बताए हैं वो आपको यहाँ पढ़ गए हैं। एक बार मैं बता रहा हूँ, सेकंड पेपर का नाम है अंतर्राष्ट्रीय संबंध द्वितीय विश्व युद्ध अंतर्राष्ट्रीय संबंध, वो जो है 100 मार्क्स का है ये पेपर।
100 नंबर का आपका पेपर होगा। तीन इकाइयों में आपके पेपर को बांटा गया है, दोनों की इकाई फर्स्ट में द्वितीय विश्व युद्ध का अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधिया यानी कि सेकेंड जो वर्ल्ड वार हुआ उसके दौरान क्या क्या विघटित हुआ उसके बारे में, शीत युद्ध, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आपको पूरा पढ़ना है, उसकी भूमिका पढ़नी है, संयुक्त राज्य अमेरिका का तृतीय विश्व यानी कि तृतीय विश्व के दौरान अमेरिका तृतीय विश्व जो है अल्पविकसित राष्ट्र है, विकासशील राष्ट्र है, उनके संबंध अमेरिका के साथ और अमेरिका की उनके बारे में क्या नीति है उसके बारे में आपको पूरा पढ़ना है। गुड इंटरेस्ट आंदोलन नॉन अलाइनमेंट वाला आपको पढ़ना है। साम्यवादी केमिका विघटन यानी यूएसएसआर का विघटन जो हुआ है 90-91 उसके बारे में आपको पढ़ना है। और दूरवास वाला जिसमें यूरोप का पुनर्गठन यानी कि यूरोप का पुनर्गठन हुआ उससे अलग हुए देश उनकी कार्य प्रणाली जो भी उनकी संगठन है उनके बारे में पढ़ना है यानी कि ये वाले टॉपिक आपको इसमें पढ़ने हैं। पहले खंड में ये टॉपिक आपको इसमें पढ़ने हैं। अब दूसरे इकाई की अपन बात करते हैं। यहाँ खंड है कि दूसरी इकाई में कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। विदेश नीति अपन ये संयुक्त राज्य अमेरिका चीन भारत व रूस विदेश नीतियां विदेश नीति अपन ने भारत के संदर्भ में पढ़ने हैं, अमेरिका के संदर्भ में पढ़ने हैं, रूस के संदर्भ में और चीन के संदर्भ में। अमेरिका चीन भारत और रूस यानी कि चार देशों के आपको इसमें विदेश नीति पढ़नी है, इनके आपस में संबंध आपको पढ़ने हैं। जैसे अमेरिका का भारत के संदर्भ में क्या संबंध रहा है, चीन और अमेरिका का क्या संबंध है, चीन और रूस के बारे में क्या संबंध है, तो इन चारों देशों की आपको विदेश नीतियां पढ़नी है। चार कॉम्पीट इनके संबंध आपको पढ़ने हैं, किस प्रकार का संबंध है, किस प्रकार का व्यापार यहाँ हो रहा है। तो दूसरी इकाई में चार देशों के संबंध यहाँ आपको पढ़ने हैं, इनकी विदेश नीति पढ़नी है। अब खंड गए की अपनी यहाँ बात करते हैं। तीसरी इकाई बात करते हैं यहाँ तीसरी इकाई में कौन से बिंदु आपको यहाँ पढ़ने हैं उनकी चर्चा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में समसामयिक प्रवृत्तियां हुए मुद्दे जैसे फिलिस्तीन समस्या, अरब इजराइल युद्ध, तेल कूटनीति, खाड़ी संकट, अफगानिस्तान समस्या, नवीन विश्व अर्थव्यवस्था, एशिया में क्षेत्रीय सहयोग संगठन के लिए आसियान, सार्क क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ये टॉपिक आपको तीसरी इकाई में पढ़ने हैं। मैं यहाँ बोर्ड पे नोट करता हूँ आप अपनी नोटबुक के लिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में समसामयिक प्रवृत्तियां अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में समसामयिक प्रवृत्तियां अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में समसामयिक प्रवृत्तियां वे मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में समसामयिक प्रवृत्तियां वे मुद्दे फिलिस्तीन समस्या पर अरब इजराइल संबंध फिलिस्तीन समस्या फिलिस्तीन समस्या वह अरब इजराइल संबंध वह अरब इजराइल अरब इजराइल संबंध अगर टॉपिक तुम्हें पढ़ना है आपको तेल कूटनीति तेल कूटनीति
तिथि के बारे में आपको पढ़ना है, वह खाड़ी संकट, वह खाड़ी संकट। अफगानिस्तान समस्या, अफगानिस्तान समस्या के बारे में आपको यहां पढ़ना है। नवीन विश्व अर्थव्यवस्था, नवीन विश्व अर्थव्यवस्था, एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के लिए संगठन, जैसे सार्क के बारे में लिखा हूं, सार्क और आसियान। यानी कि ये जो बिंदु मैंने लिखे हैं, ये तीसरी इकाई में आप पढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में समसामयिक प्रवृत्तियां हुए मुद्दे, फिलिस्तीन समस्या, अरब इजराइल संबंध, तेल कमोडिटी व खाड़ी संकट, अफगानिस्तान समस्या, नवीन विश्व अर्थव्यवस्था, सार को आसियान, ये वाले भी आपको पढ़ने हैं जो क्षेत्रीय सहयोग संगठन के लिए हैं। सार को आसियान, ये दोनों संगठन भी इसमें आपको पढ़ने हैं। तो मित्रों आप ध्यान रखें कि पेपर जो है वो 100 मार्क्स का है और सेम पैटर्न है जिस प्रकार से आप राजस्थान विश्वविद्यालय का जो प्रथम वर्ष का जो सिलेबस है, द्वितीय वर्ष का जो सिलेबस है, तृतीय वर्ष का जो सिलेबस है, वो नंबरों में के आधार पर अपन बात करते हैं तो वो सेम प्रोसेस है। 100 नंबर का ही पेपर फर्स्ट ईयर में है, द्वितीय वर्ष में भी 100 का है, तीसरे वर्ष में भी 100 का है, यानी कि दो पेपर हो गए 100 नंबर के, यानी 200 नंबर के दो पेपर हो गए अलग अलग। तो यहाँ जो राजस्थान विश्वविद्यालय ने आपका जो सिलेबस जारी किया है वो मैंने यहाँ लिख दिया है, 100 मार्क्स का है, 3 इकाइयों में आपको सिलेबस को पढ़ना है। तो मित्रों यहाँ दोबारा से मैं इस बात को रिपीट करना चाहूंगा कि अंक विभाजन को देखते हुए नंबर किस प्रकार से अर्जित किए जाए और कौन से खंड में सबसे ज्यादा नंबर अर्जित किए जा सकते हैं। तो आपका जो प्रथम खंड है उसमें 10 सवाल आपको पूछे जाएंगे, दो दो नंबर के सवाल हैं, तो पहले खंड में तो आपको 10 सवाल पूछे जाएंगे 20 नंबर के। दूसरे खंड की अपन बात करते हैं तो दूसरे खंड में आपको 20 नंबर का ही मार्क्स पूछे जाएंगे, 20 नंबर का आपको उत्तर पूछा जाएगा, उसमें 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आएंगे 5-5 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन जो है 5 नंबर का होगा, 4 सवाल आपको उसमें पूछे जाएंगे। तीसरे खंड की बात करते हैं तो टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे, एक का तो एक आएगा, जिनमें से प्रत्येक खंड में से 2 सवालों में से आपको एक सवाल का उत्तर निबंधात्मक प्रश्न के रूप में आपको यहाँ देना है। तो मित्रों सबसे ज्यादा जो मार्क्स आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अर्जित कर सकते हैं तो वो है छोटे क्वेश्चन, क्योंकि 10 सवाल आपको पूछे जाएंगे और छोटे सवाल में नंबर पूरे में से पूरे प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए पूछ लिया कि क्रिश्चियन समस्या के बारे में पूछ लिया, सार के बारे में पूछ लिया, आसियान के बारे में, सार की स्थापना या सार के कितने जो संगठन के जो देश हैं उनके नाम लिखे, आसियान में कितने देश हैं, तो आपने अगर उसकी डेट वगैरह सही लिखी है या बिल्कुल सही आंसर दिया है कि 7 सदस्य हैं 8 सदस्य हैं, तो आपको जो एग्जामिनर है वो 2 में से 2 नंबर देगा। तो जो निबंधात्मक सवाल है, जैसे मान लीजिए निबंधात्मक सवाल 20 नंबर का है, तो 20 में से 20 कभी आप प्राप्त नहीं कर सकते, अधिकतम 15-16 नंबर तक आप प्राप्त कर सकते हैं। तो छोटे क्वेश्चन में जो है अंक अच्छे से अर्जित किए जा सकते हैं। तो आपकी ये फोकस रहना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा सवाल किस प्रकार से अर्जित किए जाए, एग्जामिनर है आपकी कॉपी जांच करने वाला, उसको कैसे प्रभावित किया जाए, डिपेंड इस पर करता है कि कैसे उसको प्रभावित करके ज्यादा से ज्यादा अंक अर्जित किए जाए। या जैसे मान लीजिए आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में पढ़ रहे हो, अफगानिस्तान के बारे में सवाल पूछा जा रहा है आपसे, तो परीक्षा के दौरान जैसे मान लीजिए भारत का पड़ोसी देश अफगानिस्तान, तो उसमें से थोड़ा आप मैप के द्वारा उसमें दर्शा सकते हैं कि विवाद कौन सी जगह, अरब इसराइल के संबंध में पूछा जा सकता है, खाड़ी संकट के बारे में पूछा जाए, साल आसियान के बारे में पूछा जाए, तो थोड़ा सा अगर आप उसमें मैप वगैरह बना के आप आंसर लिखते हैं तो एग्जामिनर को भी लगता है कि वास्तव में
किया है या अच्छे रूप में पढ़ाएंगे। दूसरी बात मैं करता हूँ कि यहाँ आपकी हैंड राइटिंग भी बहुत मायने रखती है। जैसे मान लीजिए आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की लेकिन आपकी लिखने की शैली खराब है, राइटिंग आपकी सही नहीं है, तो भी आपको अच्छा लिखते हुए भी नंबर आप नहीं प्राप्त कर पाएंगे अच्छे नंबर। तो इसके साथ में मैं आपको हर क्लास में कहता हूँ कि आप लिखने की जो प्रैक्टिस है उसको लगातार बनाए रखें। आपकी हैंड राइटिंग है वो बहुत ही सुंदर होनी चाहिए, भले ही चाहे आपने आंसर का जो उत्तर है वो छोटे शब्दों में किया है या कम शब्दों में लिखा है, लेकिन एग्जामिनर उससे राइटिंग को देख के बहुत प्रभावित होता है। आपकी दो चार पांच नंबर तो हमेशा आपको राइटिंग से ही मिल जाएंगे। तो मेन बात यह है कि आपने जो लिखा है वो एग्जामिनर की समझ में आना चाहिए। क्यों सुना का जो क्रम है, सबसे पहले आप जैसे एग्जाम में बैठते हैं तो सबसे पहले आप छोटे प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से क्रम से उत्तर देने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लीजिए तीन चार क्वेश्चन आपने किया, जैसे मान लीजिए पांचवें नंबर तक आप जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको नहीं आता, तो उसकी जगह दो या तीन लाइन आप खड़ी छोड़ दिए, फिर आप छह नंबर छह का क्वेश्चन कीजिए। आप उल्टा मत कीजिए, नंबर दस का कर दिया, नंबर आठ का कर दिया, या बीच में निबंधात्मक सवाल करने लगे, तो एग्जाम से भ्रमित होता है और आपके वहां नंबर कटने के जो है वो चांस रहते हैं। तो जो एग्जामिनर है वो उसको लगना चाहिए कि आपने वास्तव में सुंदर और अच्छे से काम किया है, तो उससे नंबर जो है आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर तो आपको कॉपी के माध्यम से ही जानता है, ना कि आपके शारीरिक रूप से सौंदर्य से बनाव से वो आपको नहीं जानता, क्योंकि आपकी कॉपी जाती है उसके पास, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वाला जो पेपर है उसको लगातार आप पढ़ते रहिए, सबसे पहले पढ़ने से पहले आपको पूरा जो सिलेबस है वो याद होना चाहिए कि कौन सी इकाई में मुझे कौन कौन सा जो टॉपिक है वो पढ़ना है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय संबंध की जो किताबें आती हैं उसमें सिलेबस के बाहर भी बहुत से टॉपिक दिए हुए हैं, तो आपको सारे टॉपिक नहीं पढ़ने, जो आपके सिलेबस के टच टॉपिक हैं वो टॉपिक ही आपको उसमें पढ़ने हैं। तो आप इस चीज का ध्यान रखें, जैसे बी एल फे अधिकतर कैंडिडेट पढ़ते हैं तो उसमें और भी टॉपिक दिए हुए हैं, तो आपको उनको पूरा नहीं पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में है वो टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो इसके लिए ये जरूरी कि आपको सिलेबस याद होना बहुत ही जरूरी है, तो सिलेबस को याद रखिए, कौन सी टॉपिक आपको उसमें पढ़ने हैं, लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। जैसे मान लीजिए अफगानिस्तान समस्या पढ़ रहे हैं तो अफगानिस्तान समस्या क्यों आई, किस वजह से हुई, कौन सी डेट में कौन सा देश आक्रमण करता है, ये बात आपसे छोटी छोटी बातें पूछी जाती है। अभी मैंने शांघाई से अनुमोदन देश की स्थापना, इनके सदस्य देश, इनकी स्थापना में क्या क्या हुआ, जो सम्मेलन में उनके बारे में कौन से निर्णय लिए गए, ये सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। तो एग्जामिनर में एग्जाम जो है एग्जाम में इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब जैसे आगे वाले अपनी क्लास होगी तो पहली कहें टॉपिक उनके बारे में अपन यहाँ चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप सिलेबस को तैयार कीजिए, अपने नोटबुक में नोट कीजिए, सिलेबस को बार बार पढ़िए, आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो आगे वाले क्लास जो होगी अपनी उसमें अपन आगे वाले टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद।